हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप कोई गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और गेमिंग पीसी जो आप सोलिड स्टेट के साथ बिल्ड करना चाहते हैं, पर दोस्तों हम वहाँ पे जो साटा पोर्ट वाली सोलिड स्टेट नहीं बल्कि जो हमारी जो NVMe की जो M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव होती है वो लगाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जितनी भी हमारी जो M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव होती है उनकी जो रीड और रिटर्न स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है एज ए कम्पेयर टू हमारे साटा पोर्ट के मुकाबले। तो दोस्तों जब भी आप कोई जो M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव जब ऑनलाइन बाय करते हैं तो वहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, और वहाँ पे जो हमारे M.2 ड्राइव होती है उनके साथ कोई नंबर लिखे होते हैं। जैसे वहां पे लिखा होता है 2230 या फिर 2242 या फिर मान लीजिए किसी के साथ लिखा होता है 2260 या फिर मान लीजिए किसी M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव के साथ लिखा होता है 2280 या फिर कहीं पे लिखा होता है ये जो M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव है ये जो है 2110 है। आखिर जितने भी नंबर होते हैं इनका क्या मतलब होता है, क्या ये हमारे लिए जाना जरूरी है? दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपको नंबर की नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि इन नंबर का मतलब क्या है, नहीं तो क्या होगा कि आप गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं और आपने जो M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव बाय कर ली जो गलत बाय कर ली मतलब इन नंबर के हिसाब से, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो नंबर होते हैं जितने भी हमारे M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव के साथ ये नंबर लिखे होते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जितने भी हमारे M.2 सोलिड ड्राइव के साथ ये जो नंबर लिखे होते हैं जैसे कि 2230, 2242 या 2260, 2280 या फिर 22110 इनका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ये जो नंबर हमें बताते हैं ये बताते हैं कि जो हमारी M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव है उसकी जो विथ और लेंथ कितनी है। तो ये नंबर हमें बताते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो पहले जो है मतलब 2230, इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों ये हुआ कि जो हमारी विथ है मतलब उसकी जो हमारी सोलिड टाइप की जो विथ है M.2 की उसकी जो है 22 mm की विथ है और जो उसकी लेंथ है यहाँ पे वो 30 mm की है। तो आप दोस्तों देखिए कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इनमें जो विथ आपको ज्यादातर कॉमन देखने को मिलेगी मतलब 22 22 ही आपको सब में कॉमन देखने को मिलेगी, पर दोस्तों उनके में फर्क क्या आ रहा है? सिर्फ उनकी लेंथ में फर्क आ रहा है। जैसे कि देखिए दोस्तों अगला जो नंबर है वो है जो है 2242, तो यहाँ पे मतलब उसकी 22 mm की विथ हुई और जो उसकी 42 mm की जो लेंथ होगी। उसके बाद दोस्तों आप जैसे अगला नंबर देख सकते हैं जैसे यहाँ पे है 2260, यहाँ पे 22 mm की उसकी विथ होगी और 60 mm की जो उसकी लेंथ होगी। आप अगला ऐसा नंबर ले सकते हैं 2280, उसमें 22 mm की उसकी विथ होगी और उसकी 80 mm की जो लेंथ होगी। उससे बाद दोस्तों आप अगला नंबर दे सकते हैं 22110, यहाँ पे दोस्तों उसके 22 का मतलब हुआ कि उसकी जो विथ है 22 mm है और जो उसकी लेंथ है वो है 110 mm। दोस्तों आप कहेंगे कि इसका देखने का फायदा क्या है? तो दोस्तों इसका देखने का फायदा ये होता है कि हमें लेंथ और विथ इस करके देखनी चाहिए। विथ तो मान लीजिए कॉमन है, पर उसकी लेंथ इसलिए देखनी चाहिए कि मान लीजिए आपने कोई मदरबोर्ड बाय किया और बोर्ड आपने कोई भी बाय किया तो उसमें आप देखिए कि वहां पे आपको जो M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव लगाने के लिए वहां पे आपको स्क्रू दिया होता है, मतलब जितनी उसकी लेंथ है उसके एग्जैक्ट वहां पे स्क्रू लगाने के लिए होता है। अब मान लीजिए कईयों में जो है कम दिया होता है मतलब एक या दो दिया होता है। वैसे कॉमन जो हम जो M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव इस्तेमाल करते हैं जो आपको ज्यादा देखने मिलेगी वो मिलेगी आपको 2280 वाली, मतलब आपने सबसे ज्यादा अगर जो बाय करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा जो ऑप्शन में देखने को मिलेगी या सबसे ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको 2280 वाली, मतलब जिसकी जो विथ है 22 mm है और लेंथ जो है 80 mm है, तो वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और आप देखिए कि कहीं जो मदरबोर्ड होते हैं उनमें जो 60 या 80 का दिया होता है या कहीं में दिया होता है कि मान लीजिए कि आपको 60 80 या फिर 110 mm के स्क्रू लगाने के लिए, और साथ में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि वहां पे आपके प्रॉपर लेंथ नहीं मतलब मान लीजिए कि वहां पे सिर्फ 80 mm तक के ही आपके वहां पे M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव लगाने के लिए है और बाय चांस आपने जो है 110 mm लेंथ वाली जो बाय कर लिया है तो वहां पे आपके वहां पे पूरी प्रॉपर स्पेस भी नहीं होगी, मान लीजिए विथ में तो है पर लेंथ में नहीं होगी, तो आप क्या होगा फिर वहां पे वो जो 110 mm वाली जो आप M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव नहीं लगा सकते। ऐसे मान लीजिए कईयों में जो है मान लीजिए 80 की है सिर्फ, आप मान लीजिए वहां पे 80 mm की जो लेंथ वाली है सिर्फ आप वो लगा सकते हैं, आप वहां पे 60 की नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे स्क्रू नहीं है लगाने के लिए, तो वो दोस्तों आप वहां पे पूरी प्रॉपर्टी किसे लगा सकते हैं या फिर आपको जुगाड़ के थ्रू लगाना होगा। पर अगर मान लीजिए कि कहीं में क्या हुआ कि वहां पे लेंथ जो है उसकी कम है, मान लीजिए कि बाय चांस किसी मदरबोर्ड में आपको सिर्फ 60 mm तक की आप वहां पे M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 80 या 110 mm वाली लेंथ वाली जो आपने वहां पे M.2 सोलिड स्टेट ड्राइव वहां पे लगाने की कोशिश की तो दोस्तों वो आपके नहीं लगेगी क्योंकि आपको पता है कि वहां पे उसकी पूरी प्रॉपर स्पेस दी होती है। वहां पे कई बार दोस्तों क्या होता है कि वहां पे आपका कैपेसिटर अड़ जाता है या फिर मान लीजिए कि वहां पे आपको कोई और चीज अड़ जाती है जिसकी वजह से आप वहां पे नहीं लगा सकते, मान लीजिए आप स्क्रू की जगह कोई और जुगाड़ कर ले, पर मान लीजिए आपके वहां पे लेंथ में लगाने के लिए वहां पे स्पेस ही नहीं है तो आप कैसे लगा सकते हैं? विथ तो दोस्तों चलो कॉमन होती है कि 22 mm की होती है, कहीं जगह 30 mm की देखने को मिल जाती है, पर वो
रेयर में होती है ज़्यादातर, मतलब बहुत मुश्किल देखने को मिलती है, पर आपको विथ जो है 22 mm देखने को मिलेगी। पर मान लीजिए लेंथ तो आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे आपको स्क्रू लगाने के लिए नहीं होंगे, जैसे कि आप इस मदरबोर्ड में देखिए, इस मदरबोर्ड में सभी के लगाने के लिए दी है, मतलब वहाँ पे 42 की भी लगा सकते हैं, मतलब mm लेंथ वाली आप 60 की भी लगा सकते हैं, 80 की भी लगा सकते हैं, 110 की भी लगा सकते हैं। और नीचे आप देखिए उसी के नीचे वहाँ पे आपको जो 110 mm के लगाने के लिए वहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं है और वहाँ पे उसका 110 mm का स्क्रू भी नहीं है। तो दोस्तों आप कोई सा भी मदरबोर्ड ले लीजिए, वहाँ पर आपको जरूर देखना चाहिए कि वहाँ पे आपको वहाँ पे लेंथ के लिए प्रॉपर वहाँ पे स्पेस है कि नहीं है जो आप M.2 सोलर शेड ड्राइव करना चाहती है, और वहाँ पे स्क्रू लगाने के लिए, मतलब आपकी जो M.2 सोलर शेड ड्राइव में स्क्रू लगता है लास्ट में, उसके लगाने के लिए वहाँ पे जो प्रॉपर डिस्टेंस पे आपके स्क्रू होल है कि नहीं है, आपको ये भी चीज देखनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप कोई M.2 सोलर शेड ड्राइव बाय करते हैं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि जो हमारे नंबर होते हैं इनका मतलब क्या होता है, और आपको इन नंबर से क्या पता चलता है, और आपको ये नंबर क्यों देखने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगले वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक लाइन सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।